राजपूत के परिवार वालों से मिलने आ रहे हैं, क्या लगता है फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरीके से परिवारवादी चल रहा है, ये आत्महत्या या क्या? देखिए, अब तो घटना जो हुई है वो बहुत ही दुखद है और हमने इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हम सभी लोगों ने, हम भी उसके एक हिस्सा हैं, और जिस तरह की घटनाएं वहां चल रही हैं उसमें तो निश्चित रूप से सुशांत को एक भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन जब तक इसका एक उच्च स्तरीय जांच का रिजल्ट ना आ जाए तब तक हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। और हम समझते हैं कि जिन लोगों ने उनको इस स्थिति के लिए मजबूर किया उन तक जांच एजेंसी जरूर पहुंचे। छह प्रोडक्शन हाउसेस के बैन करने की बात सामने आ रही है जिनको आरोपी बनाया जा रहा है, क्या सही था ये? मैंने कहा ना कि जब जांच की मांग हम सब ने करी है और सब कुछ देखने में प्रथम दृष्टया सब गड़बड़ लग रहा है, हम बिहार के लोगों से यही निवेदन करेंगे, आप सब इंतज़ार करें, हम इसके तह तक पहुंचेंगे और किसी कल्प्रिट को छोड़ा नहीं जाएगा। आप बिग बॉस फेम भी रह चुके हैं, सलमान खान का लगातार नाम आ रहा है, आपके साथ भी बिग बॉस में लगातार आपके लैंग्वेज को लेकर मजाक उड़ाया जाता था सलमान खान, क्या लगता है छोटे शहरों से जो लोग जा रहे हैं उनके साथ फिल्म इंडस्ट्री में इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब भी कोई छोटे शहर से व्यक्ति मुंबई पहुंचता है तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में कई लोग टूट भी जाते हैं। एग्जाम्पल हम सबके सामने है, हमने अपना एक बिहार की मिट्टी का एक बच्चा जो कि पूरी दुनिया का इस समय शान था, तो मन बहुत गमगीन है,